सो गाइस आप सभी लोगों ने कभी ना कभी कॉलिंग के साथ साथ इंटरनेट का भी यूज़ किया होगा। और ऐसे में दोस्तों हम लोग देखते हैं कि हमारे इंटरनेट की स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, यहाँ तक कि 2 गुना 3 गुना तक यहाँ पर हमको ज़्यादा अच्छी इंटरनेट स्पीड देखने को मिलती है। दोस्तों आकर यहाँ पर सवाल ये निकल के आता है कि जब हम कॉलिंग के साथ साथ इंटरनेट का यूज़ करते हैं, मतलब दोनों चीज़ों का यूज़ एक साथ करते हैं, तब यहाँ पर इंटरनेट की स्पीड आकर इतनी बढ़ क्यों जाती है, इसके पीछे ऐसी क्या वजह होती है, तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आपको जानना दोस्तों तो वीडियो के अंत तक ज़रूर से देखिए। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। सो गाइस इसे समझने के लिए हम चलते हैं कुछ टाइम पहले, जहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 2G नेटवर्क का यूज़ किया जाता था। उस टाइम पर दोस्तों क्या होता था कि जो बैंडविड्थ होती थी वो बहुत ज़्यादा नैरो होती थी, बहुत ज़्यादा पतली होती थी। तो यहाँ पर दोस्तों उस बैंडविड्थ में से या तो एक टाइम पर आप कॉलिंग कर सकते थे, या तो उसमें से आप मतलब इंटरनेट चला सकते थे, डेटा ट्रांसफ़र कर सकते थे। मतलब कि आप सोचें कि कॉलिंग और इंटरनेट दोनों एक साथ हो जाए तो वो चीज़ उस बैंडविड्थ पर पॉसिबल नहीं था। इसके बाद दोस्तों धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती गई। 2G के बाद आया 3G, 3G के बाद आया 4G नेटवर्क, और यहाँ पर दोस्तों 4G में इंट्रोड्यूस हुआ VoLTE, मतलब वॉइस ओवर LTE। अब यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, धीरे धीरे जो बैंडविड्थ है वो भी इंप्रूव होती गई, बैंडविड्थ की जो चौड़ाई है वो भी थोड़ी बढ़ती गई। और यहाँ पर दोस्तों जैसे ही VoLTE आया तो यहाँ पर दोस्तों फिर क्या किया जाने लगा, कॉलिंग के लिए एक अलग बैंड का यूज़ किया जाने लगा, और जो डेटा ट्रांसफ़र उसके लिए एक दूसरे बैंड का यूज़ किया जाने लगा। मतलब कि यहाँ पर अब आप एक साथ कॉलिंग भी कर सकते थे और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आप इंटरनेट का भी यूज़ कर सकते थे, क्योंकि दोनों चीज़ें यहाँ पर अलग अलग बैंड से होकर जा रही थी और यहाँ पर बैंडविड्थ भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गई थी। अब गाइस यहाँ पर हम मानते हैं कि हमने स्मार्टफोन में इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, और जब हम इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं तो इंटरनेट के जो डेटा पैकेट्स होते हैं वो अपने बैंड में से होकर जा रहे हैं। अब उसी टाइम पर हम मानते हैं कि हमारे स्मार्टफोन के ऊपर कॉल आ गया या फिर हमने ही किसी को कॉल कर दिया, तो उस टाइम पर दोस्तों जो कॉलिंग के सिग्नल्स आते हैं, एक्चुअली आजकल जो कॉलिंग के सिग्नल्स आते हैं वो भी छोटे छोटे डेटा पैकेट्स के रूप में जाते हैं, क्योंकि आजकल HD कॉल होने लगी है, तो वो दोस्तों अपने बैंड से होकर जाने लगते हैं। सो गाइस अब क्या होता है कि यदि हम एक ही टाइम पर कॉलिंग और साथ ही साथ इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों जो कॉलिंग के सिग्नल्स और साथ साथ जो इंटरनेट का डेटा है वो अलग अलग बैंड से ना जाकर दोनों एक ही बैंड से जाने लगते हैं। मतलब कि जो इंटरनेट का डेटा जा रहा था वो यहाँ पर अपर बैंड पर स्विच हो जाता है, तो वो भी यहाँ पर जो कॉलिंग के जो बैंड होते हैं उसी के साथ जाना शुरू हो जाता है। अब दोस्तों क्या होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव भी हुई है तो बैंडविड्थ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, और साथ ही साथ जो कॉलिंग का जो बैंड होता है वहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं होता, तो वहाँ पर दोस्तों आपको बेटर इंटरनेट स्पीड देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू उस प्रीवियस बैंड के, मतलब लोअर बैंड के। सो गाइस ये था वो मेन रीजन कि जब हम कॉलिंग के साथ साथ इंटरनेट का भी यूज़ करते हैं तो क्यों यहाँ पर इंटरनेट की स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, उसके पीछे दोस्तों यही मेन रीजन था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी और वीडियो भी आपको जरूर से पसंद आया होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरे वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब से सब कुछ कर दीजिए, सारे बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आपसे मिलता हूँ दोस्तों मैं अगली वीडियो, तो के लिए बाय बाय।